शहजाद भाई, सुनने में यह आया है कि सही आया है, बिल्कुल सही है। अगर सुनने तक आ गया है तो वो सही ठीक है, वो ठीक है। सुन तो लेके क्या सुनने में आया जी है कि लोग आप पर बहुत जल्दी दिल हार जाते हैं। मैंने जवाब क्या दिया था आपको सुनने से पहले? क्या सही सुना है? सही सुना। अच्छा है, मुतासरी में शहजाद बहुत से लोग हैं। हो सकता है शायद उनको लगता हो। किनको लगता? मेरी बीवी भी देख रही है, मेरी सास भी देख रही है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे। आप ये जो स्क्रिप्ट अभी लिखा जा रहा है हाँ। उसमें आप एक चॉकलेटी हीरो हैं, ठीक है, जो कि बहुत लॉयल है, ठीक है, हम जानते हैं इस बात को। और हमारी भाभी बिल्कुल जितना हाँ। हमारा उनके साथ ताल्लुक और दोस्ती है, बैजन आपके साथ लड़ाई हो जाएगी। ये तो हो गया, घर जाने का इंतजाम तो हमने आपका कर दिया, साइड में ये तो हमने साइड पे लगा दिया। अब हीरो, चॉकलेटी हीरो, प्यारा लड़का, गहरी आंखों वाला, जब उसे मुतासरीन देखते हैं तो बच्चा ये कह रहा है, बच्चे का सवाल है, बच्चा है, स्टूडेंट है, पढ़ता है अभी फर्स्ट ईयर में, वो ये पूछ रहा है कि मुतासरीन काफी सारे हैं, वो पूछ रहा है कि आपसे लोगों को बहुत जल्द मोहब्बत हो जाती है। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि आप मोहब्बत के बदले मोहब्बत देते हैं, ये बिल्कुल सवाल। क्योंकि मैं मोहब्बत बांटने वाला हूं। आए बेशक वो मेरा कैमरामैन हो, मेरा डायरेक्टर हो, मेरी को एक्टर हो, मेरी मेकअप आर्टिस्ट हो, मेरा ड्राइवर हो, मैं जानना चाहता हूं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनसे बात करना चाहता हूं। हम चलिए इसको और आसान कर देते हैं बात। आप सुनना क्या चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं इतना आसान कर दिया कि आप हां कर देंगे। क्या मैं कह रहा हूं, मैं तो सुनने से पहले आ कर चुका हूं। कर चुके हैं हां, मैं क्यों जोर लगा रहा हूं? ये तो एक्टर आबू हैं, पहले तो मोहब्बत छापे चला के भेज दें। लोग कहते सन शेख साहब तुहाडे को ताजी मोहब्बत है, कोई ताजी मोहब्बत 1.5 किलो दे दो अगर है। शेख वे दिन दिन चढ़े दिन चढ़े नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर पूरे घराने का फैन। पहले जरा आइए ना, मैं आपसे भी थोड़ी मोहब्बत बांटूं जरा। ओके ए तुसी उन्हें पेल तोड़िया नहीं दसदा, कसम नहीं दसदा, नहीं दसदा। वाजबुल छतरोल है वो बंदा, ये जो सामने खड़ा है। वाजबुल छतरोल है वो बंदा जो आपसे कहे एक जरूरी बात बताऊं और बाद में कहे चलो छोड़ो यार रहने। और काबिले कदर चीजों में वक्त सर फहरिस्त है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वक्त की नहीं लम्हों की भी कदर करें, और अगर गौर करें तो हम लम्हों में जी रहे हैं, कोई खुशी का लम्हा तो कोई गम का लम्हा। एक छोटा सा शेर लिखा है, हर लम्हा हालात बदलते देखे हैं, हर लम्हा हालात बदलते देखे हैं, हर लम्हा हालात बदलते देखे हैं, हमने चढ़ते सूरज ढलते देखे हैं, इंसानों को पत्थर बनते देखा है, पत्थर भी एक रोज पिघलते देखे हैं, क्या बात। लम्हों के इंतजार में सदियों की बेखुदी, वाइद सकोला वेरी कोला वेरी कोला वेरी। ये थी मजबूर डांसर। सर माशाल्लाह सारे ही फनकार सुपरस्टार, पूरी फैमिली सुपरस्टार, देख के ही लगता है कि सुपरस्टार। क्या बात। और अकरम साहब को देख के ही बंदा इनसे यही पूछता है, यार आपके अब्बू की जमानत हो गई है? अगो अकरम भाई मजबूर होके कहंदा उन्हां दी जमानत ते नहीं होई, मेरी टेंड करती। सर एक और बड़ा ये पर्सनल सा क्वेश्चन है सर जी। अमेरिका से ग्रीन कार्ड मिला जी। वो आपने उनको वापस कर दिया, ये मुझे वजह नहीं पता चली सर। बस मैंने चाहा कि अपने लोग में आके काम किया जाए और यहाँ से सीखा जाए काम, जहाँ पे अपनी जमीन है, अपने लोग हैं, अपना ये वतन से मोहब्बत चाहिए।
माशाल्लाह सारे एक्टर सारे सुपरस्टार पापा के सामने भी डायलॉग बोलते हैं सर। नहीं वो मेरे साथ डायलॉग बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। अच्छा शेख साहब लगते तो नहीं है गुस्से वाले हैं? बिल्कुल नहीं। कभी आपको डांटा है? एक दफा चमाट पड़ा है बस। थप्पड़? उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा ये काम इस तरह नहीं करना। काम क्या था? वो छोड़ दो। बताए ना, बताए, 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 बताए। बस उनकी गाड़ी लेके मैं कहीं चला गया था बगैर बताए। और उसके अंदर किसको बिठाया था? कौन था अंदर? अंदर कोई नहीं था, दोस्त वगैरह थे। लेकिन नहीं, दोस्तों का तो पता, बगैर कौन थे? फिर आपने कहा था थप्पड़ से डर नहीं लगता, मोहब्बत से डर। नहीं नहीं, चुपके से मेरे खा लिया। मैंने कहा आइंदा वगैरह के लिए अब्बा की गाड़ी यूज नहीं करनी। यानी कि मसला वगैरह ही था। वगैरह ही था। देव साहब ने ये कहा होगा तो मेरी गाड़ी ले गए, अगर इसमें मेरा वगैरह निकल आता तो। ये मुझे लग रहा है बड़ा डर डर के बोला गया। क्या बात सर, माशाल्लाह सर, सर सारे सुपरस्टार सारे तेरे सारे बीमार। एदा प्यो तो सुबह ड्रिप ना पाकर खानियां खा रहे होंदा। अच्छा बाल काट रहा नीचे का रस फस भी जांदा, उन्हें भूख मारदा है फिर। हनी साहब ने भी माशाल्लाह आमिर खान साहब तरह वजन वधा के फिल्म करन लगे। हाँ जी, फिल्म भी कैंसिल हो गई, वजन भी नहीं घट होया। बाबा साहब के पैर च किल लगा, वो क्यों? ते पंचर वाले को चले गए। अकरम साहब महल्ले च एक बंदे ने लड़न दे, कहिंदा यार कोई एस्ट्रे समझ के सिगरट बजा गया। फैसल बस च सफर कर रहे थे, बस नहर च डिग पई। सारे हर बंदा अपने आप नूं बचा रहा, एक कनेक्टर नूं बचा रहा। मैं कहा की करन डिग, कहिंदा भाई नूं बकाया लैणा। ए तो मूंह ते केल निकलिया, दवाई नहीं लई, 30 रुपए की थोड़ी लाया। ਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਸਲਾਬੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਚਾਹਾਂ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ, ਪੱਤੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ੌਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਚਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਬੰਦ ਪੀ ਗਏ। ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਐਕਟਰ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਐਕਟਰ, ਫੁੱਫਾ ਵੀ ਐਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ। ਆਪ ਐਕਟਰ, ਅੱਬੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਜੈਲ ਲਾਉਣ ਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਦੀ ਬੇਗਮ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਲ ਉਸ ਕੰਧ ਦਾ ਹੀ। ਕਈ ਮਰ ਜਾਈਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਾਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ।